हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए, उसके बाद जो बेल आइकन दबाइए और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम एंटीबायोटिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स की हम डेफिनेशन देखेंगे और उसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे और उसके डिफरेंट ग्रुप देखेंगे और आज मैं किसी एक खास एंटीबायोटिक ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन में एंटीबायोटिक्स, इसके थोड़ा सा इसको हम सेपरेट करेंगे। एंटीबायोटिक्स मतलब जो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट में काम करता है, जो ड्रग या इंजेक्शन, टैबलेट या इंजेक्शन, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और ये एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन दो प्रकार से है फ्रेंड्स। एक जो है इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और दूसरा जो है बैक्टीरियोसाइडल होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोक देता है, बढ़ने नहीं देता है, और बैक्टीरियासाइडल मतलब जो बैक्टीरियाज को किल करता है। तो ऐसे दो इसके मोड ऑफ एक्शंस होते हैं बैक्टीरियाज के एंटीबायोटिक्स के फ्रेंड्स, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। अब इसके ग्रुप्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स। पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, क्यूनिनोल्स ग्रुप है, फिर टेट्रासाइक्लिन्स ग्रुप्स है फ्रेंड्स। इसमें और बहुत से मैक्रोलाइड्स ग्रुप है, बहुत से इमेंस वैनकोमाइसिन ग्रुप्स, मेरोपेनम ग्रुप है, ऐसे बहुत से ग्रुप आजकल एंटीबायोटिक के हैं फ्रेंड्स। बट हम जो है हर ग्रुप को अलग अलग एक वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज का जो ग्रुप है जिस बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीबायोटिक जिसे हम कहते हैं, वो है पेनिसिलिन ग्रुप फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमें बीटा लैक्टम ग्रुप की भी बात करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो उसके साथ जोड़ा गया है। तो पेनिसिलिन ग्रुप में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं फ्रेंड्स। आप सुने होंगे कि पेनिसिलिन, इनका जो प्रोकेन पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, ये ग्रुप में ये सब ड्रग्स आते हैं फ्रेंड्स। पर पेनिसिलिन का जो वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीबायोटिक कहते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इससे हर प्रकार की तकलीफ कम होती है, हर इन्फेक्शन कम हो सकता है फ्रेंड्स। यस राइट, ऑफ कोर्स। बट पेनिसिलिन के बारे में एक ये भी है फ्रेंड्स कि इसका रिएक्शन भी बहुत ख़राब है। इसका रिएक्शन जब आता है, एनाफिलेटिक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, तो सांस बंद होती है, चेहरे पर रैश आते हैं, आँख सूज जाते हैं, मुंह सूज जाता है, गले से आवाज़ नहीं निकलती है, बीपी कम हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो इसका एनाफिलेटिक रिएक्शन, सीवर म्यूकोपेपुलर एनाफिलेटिक रिएक्शन इसका है फ्रेंड्स, और कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए प्रोकेन पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है उसका यूज़ अभी बंद हुआ है फ्रेंड्स। बट कुछ लोग उसको देते भी हैं, क्योंकि उसका यूज़ जो है वो फिनामिनल ड्रग है फ्रेंड्स। तो उसका यूज़ करने के पहले हम यहाँ पे एक उसका एलर्जी टेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम 1 to 2 cc इतना सबक्यूटेनियसली प्रोकेनामाइड का इंजेक्शन दे देते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि उसको स्वेलिंग है क्या, कोई रैश है क्या, या पेशेंट में कुछ डिस्कम्फर्ट है क्या फ्रेंड्स। कभी कभी तो टेस्ट डोज से भी पेशेंट को एलर्जी आ जाती है। अगर उसको एलर्जी नहीं हुई है, उसको रिएक्शन नहीं आया है, तो इंजेक्शन हमका उसको IM दे देते हैं फ्रेंड्स, कमर में या हाथ में। फिर इसमें बेंजाइल पेनिसिलिन भी एक है जो कि रूमेटिक फीवर में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। रूमेटिक फीवर मतलब जॉइंट पेन रहता है और फीवर रहता है, और एओसो टाइटर और CRP बढ़ा हुआ रहता है और एओसो टाइटर पॉजिटिव रहता है उसका। तो ये पेनिसिलिन के इंजेक्शन बहुत ही फेमस हैं फ्रेंड्स, और उसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ भी है। पेनिसिलिन के इंजेक्शन को रिएक्शंस आने की वजह से, उसको हाइपर सेंसिटिव टू रिएक्शंस आने की वजह से, उसके टैबलेट भी आजकल अवेलेबल है, एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन, उसका भी फिनामिनल यूज़ है। वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन का तो इंजेक्शन भी अवेलेबल है। तो उसका जो यूज़ है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ है, और इसका रिएक्शन भी बहुत कम है फ्रेंड्स। तो ये लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑर्थोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, इन सभी प्रॉब्लम्स में ये पेनिसिलिन ग्रुप जो है एक फिनामिनल यूज़ करता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा यूज़ है। एमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन के टैबलेट भी हैं। कभी कभी ये पेनिसिलिन ग्रुप को बीटा लैक्टमेज एंजाइम का जो है रेजिस्टेंस आता है,
या उसकी वजह से वो रुक जाता है उसका काम। तो उस टाइम पर हम उसको उसके साथ जो है बीटा लैक्टम ग्रुप के जो है उसमें ग्रुप का हम जो कंटेंट ऐड कर देते हैं, जैसे कि क्लॉक्सिसिलिन और क्लैवलोनिक एसिड, तो उसकी वजह से वो रिएक्शन या रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसा है, इमेंस पावरफुल एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन का, वर्ल्ड फेमस। तो होप दोस्तों हम इसके आगे और एक हर वीडियो में एक एक ग्रुप के बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।